इतनी औकात थी जिसने अमीन कुरैशी की इज्जत में हाथ डाला है। नमक हराम 3 नवंबर से जुमा शब 8 बजे। How could she do this? मैं कैसे बताऊं उसे? गुनाह कबूल करना इतना आसान नहीं है। I spoiled her life. I spoiled it. अल्लाह ताला ने कुदरत में इंसान के लिए सुकून रखा है, इसलिए तो कुदरती नजारे देखने के बाद इंसान के दिल को इत्मीनान सा महसूस होता है। प्रीत, सब कुछ वैसा ही है घर में, लेकिन कितनी बेसुकूनी हो गई है ना। और तब भाभी कितनी दुखी है, मुझे समझने में कितनी देर हो गई। पता है युसरा, हम लोगों को अपने आईने में देखते हैं, इसलिए तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ। अभी मुझे लगता है जैसे घर में जितनी लड़ाई है सब मेरी वजह से हुई है ना। मैं जल्दबाजी के चक्कर में अपने लिए तकलीफों के दरवाजे खोलती है। युसरा मेरी जान, तुम गलत सोच रही हो। देखो ये सब कुछ ऐसे ही लिखा था और ऐसा ही होना था। तुम एक काम करो, तुम आदिल को कॉल करो और उससे बात करो कि तुम्हें आके ले जाए। मियाँ बीवी के बीच में अगर रिश्ता खत्म हो जाए तो मामलात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। और तुम उसे कहना कि जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करूंगी, ठीक है? लेकिन अभी इस तरह तो वो हर सैलरी पे कोई ना कोई डिमांड रख देंगे, फिर क्या करेंगे हम? युसरा मैं जानती हूँ ये सब कुछ गलत है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम ये सोचो ना कि हो सकता है कि ये उनकी पहली और आखिरी डिमांड हो। और तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब देख लूंगी। काश अभी की सारी बातें मैं पहले ही समझ जाती। वक्त को मुझे समझाने के लिए यूं तेवर नहीं बदलने पड़े। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो चंद दिनों में इतनी बड़ी हो गई, चाय पियोगी? लेकिन एक शर्त पे, मैं बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, वैसे भी काफी दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। बना लो। बना कर आती हूँ। खुदा के अब्बू, काश आपकी जगह मैं चली जाती। कम अज कम आप अकेले इन सब को संभाल लेती। उसे नहीं संभाला जा रहा। जिस बेटे को आप माँ का लाडला बेटा कहते थे, आज वो लाडला माँ को ऐसे सता रहा है जैसे मेरी ममता, मेरी मोहब्बत सब खाक में मिल गया। और आपकी लाडली ठीक नाज था आपको उस पर, अपने दर्द दुख महरूमी यहां तक के शिकवे छुपाए आपकी तरह दिलजोई करती है। खामोशी से वो जिम्मेदारियां भी अदा करती है जो उसके हिस्से की है ही नहीं। वो सच में बिल्कुल आपका अक्स है। एक लफ्ज और मत कहना, मत भूलो कि तुम खुदा के बारे में बात कर रहे हो। इसका बाप अभी जिंदा है, इस पर उंगली उठाने वाले का मुंह तोड़ने का हौसला है मुझमें, चाहे वो खुद तुम ही क्यों ना हो। आपके सब अंदेशे दुरुस्त साबित हुए हुदा के अब्बू। आरेज ने सिर्फ हुदा के साथ ही ज्यादतियों की हद नहीं की, बल्कि
वो तो जैसे हर रिश्ते को कड़ी आजमाइश में डालने की ठान चुका है। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम इतनी देर से अस्मी? कहीं नहीं, आप ही बस इधर उधर। वक्त देखा है क्या हुआ है, इतनी देर हो गई है और तुम अब घर आ रहे हो। पता नहीं, आप ही बस दिल नहीं चाह रहा था घर आने। बाबा को तुमने अपनी बल्दियत के खाने से निकाल दिया है क्या? अभी कैसी बातें कर रही हैं आप, सोच समझ कर तो बोला कर। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाओ। देखो अस्मी, हमारे लिए बाबा की हर एक चीज बहुत मोहतबर है और अबू ने सारी जिंदगी हमें यही तो सिखाया है कि घर की रंजिशों से कभी भी तंग आकर घर से मत उकताओ। ऐसा सोचा नहीं मैंने। अभी तो सोचना चाहिए ना। आप ही जब रोटी जिल्लत के साथ मिलने लगे तो या तो इंसान को हाथ रोटी से उठा लेना चाहिए या फिर अपना जमीर सुला लेना चाहिए। तो मैं अपना जमीर नहीं सुला सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं पढ़ाई छोड़ के जॉब करूं। तालीम हासिल करना मेरी एक ख्वाहिश थी, ख्वाहिशात सिर्फ एक बाप पूरी कर सकता, जो कि अब नहीं रहा। मुझसे कहना कि जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करूंगी, ठीक है? लेकिन आप ही इस तरह तो वो हर सैलरी पे कोई ना कोई डिमांड रख देंगे, फिर क्या करेंगे हम? वरदा और जीत तुम्हारी ही होगी। हाँ हाँ भाई, जीत तुम्हारी ही होगी। वरदा, आदिल एग्जैक्टली वो ही कर रहा है जो वरदा चाहती थी और तुम बस देखती जाओ किस तरह वो तुमसे हर महीने इसी तरह बहाने बहाने से रकम की डिमांड करता रहेगा। खुदा, तुम डिप्रेस और मैं चिल। अम्मी, वो अजमीर को ऑफिस छोड़ दिया मैंने। शुक्र है कि भाई तुमने भी कुछ अकल से काम लिया। बाय द वे, बेरोजगारी अफोर्ड कर लोगे तुम? सलाम अम्मी। आप ही वो कल मैं जो चाय और ब्रेड का सामान लाया था उसी में से आप मुझे चाय दे दें और सादी ब्रेड ही दे दें खाने के। अच्छा ठीक है। अरे वाह, ये तो एक और अच्छी खबर है। अब तो निखट्टू लोग भी काम करेंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। वरदा, तुम्हें कुछ चाहिए था? हाँ, नाश्ता। लेकिन यहाँ तो देख के पता चल रहा है कि नाश्ते के कोई दूर दूर तक इम्कान ही नहीं है। बस थोड़ी देर में मैं टेबल पर लगा देती हूँ। टेबल पर नहीं, कमरे में। वो क्या है ना, आरेज ने कहा है कि आज से खाना पीना कमरे में करेंगे। और हाँ, आरेज के पहनने के कपड़े खत्म हो गए, सब मैले हो गए, तो जरा कहकर मशीन लगवा दीजिएगा। और अगर आप ना लगा सके तो युसरा से कह दीजिएगा, मगर आज।
आपने इन्हें अलग करना है या नहीं करना वो तो बात की बात, कम से कम आप इन्हें घर में तो अलग कर सकती है ना। ये तो कोई तरीका नहीं है ना, आखिर कब तक आप क्यों? जब तक तुम्हारे अब्बू का पोता या पोती इस दुनिया में नहीं आ जाते तब तक। अम्मी ये सारी जज्बाती बातें। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए जज्बाती बात है, मेरे लिए रिश्तों का हक है। अरे मैं तो उसके नाज नखरे उठाऊंगी दुनिया में आने से पहले भी और बाद में भी। अम्मी आप भी ना बहुत जज्बाती। अजमी को नाश्ता दे दें सबसे पहले आप। अच्छा अच्छा। आप ही कौन कहता है इस मुल्क में मेरिट की कदर नहीं है? यहाँ मेरी बहन एक जॉब छोड़ती है उसको दूसरी फौरन हाजिर हो जाए। वो इसलिए क्योंकि रिस्क अल्लाह मियां के हाथ में। अच्छा सुनो, ये मैं कुछ पैसे दे रही हूँ तो दोपहर का खाना खा लेना, ठीक है? अरे आप ही। बहस नहीं करो अजमी, और सीधा कॉलेज जाना, ठीक है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है अभी सब कुछ बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे अल्लाह मियां पे पूरा भरोसा है सब ठीक हो जाएगा भाई के बगैर, ठीक है? शाम को वापसी पे मुझे लेते हुए जाना, ठीक है? हेलो सर। ओके सर। जी सर, आपने बुलाया? हाँ, एचआर में एक नई हायरिंग हुई है मिस होता के नाम से। आपने करना ये है कि आई होप ऐसा नहीं होगा। जी सर, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। गुड, यू कैन गो नाउ। एंड लिसन, फाइल अभी तक नहीं पहुंची मुझ तक। सर सो सॉरी, अभी मैं करवा दूँ। प्लीज। थैंक यू। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि गाड़ी तैयार हो गई। अच्छा तो एक काम करो कि घर के बजाय मार्ट पे पहुंचा दो। हाँ ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। तुम्हें याद है ना आज सलमान के घर जाना है। मेरा जाना जरूरी है क्या? क्या हो गया बेटा, अभी कुछ दिन के बाद वो घर तुम्हारा ससुराल बन जाएगा, फिर आना जाना लगा रहेगा ना, तो फिर आज क्यों नहीं? बाबा तब की तब देखी जाएगी ना। असबीर बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दिली के साथ ये फैसले कर रहे हो? देखो बेटा, ये जो रिश्ते होते हैं ना, इनको दिल के साथ एक्सेप्ट किया जाता है, और जो बेदिली के साथ किया जाए उसको समझौता कहते हैं। ऐसे रिश्ते बेदिली के साथ नहीं किए जाते, वरना वो समझौता कहलाते। बेदिली को जबरदस्ती दिल के रिश्तों में नहीं बदला जा सकता बाबा। कोशिश तो की जा सकती है ना। बोलो, कोशिश तो की जा सकती है ना। तुमसे बेहतर तो फिर उदा हुई, कम से कम रास्ता देना तो जानती है। मेरे दिल की तरह आप भी उससे बददिल नहीं हो सके ना। कहाँ से आएंगे पैसे? या अल्लाह तू मेरी मदद कर। मिस हुदा, वेलकम टू आवर ऑफिस। मैं तालिया, शहीद सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट, और आप एचआर कोऑर्डिनेटर, राइट?
जी अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप कुछ उलझी उलझी लग रहे हैं, अगर चाहे ना तो मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। लगता है आप माइंड कर गए हैं। एक्चुअली मैं सबके साथ ना फ्रेंडली हो जाती हूँ। आपको पता है बंदी में बड़े काम क्यों? क्योंकि यहाँ के मालिक की पर्सनल असिस्टेंट जो हूँ, जो काम महीनों में होते हैं वो दिनों में करवाती हूँ, और दिनों के काम ना घंटों में करवाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे आप मजाक समझ रही हैं? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। आपको सैलरी और बोनस भी दिलवा सकती हूँ। एक्चुअली मुझे बाकी में एक काम है आपसे। क्या ऐसा हो सकता है कि जॉब के पहले दिन ही सैलरी एडवांस में मिल जाए? मुश्किल है, लेकिन अगर आप ना लंच का वादा करें तो ये काम मैं इजीली कर सकती हूँ। चलें आप एक काम करें, एक एप्लीकेशन लिख दें मुझे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो अप्रूव्ड हो जाए। ठीक है मैं फिल कर देती हूँ। थैंक यू मिस तालिया। अरे मिस तालिया नहीं, तालिया कह सकती हूँ, नाउ वी आर फ्रेंड्स। मैं फॉर्म फिल करके आती हूँ। श्योर। कैसी हो? I'm sorry. तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। It's okay. सब ठीक है? इतनी इमरजेंसी में बुलाया? मतलब खैरियत नहीं है, शहीद भाई को मेरी और रजनी की शादी का पता चल गया। So what? क्या फर्क पड़ता है? आज नहीं तो कल पता चल नहीं था। मतलब अजीब बात तो ये है कि भाई का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही अजीब था। एंड यू नो व्हाट, वो आज भी उदास से इतनी मोहब्बत करता। लड़कों और जॉब के मामले में वो हमेशा गुड लक रही है। और हाँ तुम्हें एक अच्छी न्यूज तो सुनाने ही भूल गई, हुदा ने अजमेर की फैक्ट्री छोड़ दी है। रियली? कोर्स भाभी साहिबा, और तुम जानती भी नहीं हो कि इस जॉब को छुड़वाने के लिए मैंने कितने जतन किए। स्वता एक ही दफा ना इस लड़की को जहर देके मामला ही खत्म कर, ये मसला भी हल कर दो मेरा प्लीज। तो पता एक मसला ये, और ऊपर से मॉम ने मुझे अजमेर से बात करने के लिए सख्ती से मना किया। फिर तो आंटी ने बहुत ही अच्छा किया, अगर तुम बात करती ना तो पता नहीं कौन सा इशू क्रिएट हो जाता। डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। कॉफी की मंगाई? हाँ एक्सक्यूज मी। हाँ क्या तो तुम ठीक रहो, एक काम करो ना साइट तुम विजिट कर लो और ऑनलाइन मीटिंग तुम कर लो। मैं क्यों? मूड ठीक नहीं है यार। वो तो नजर आ रहा है, मजा क्या है? अजमेर, अजमेर से तेरा क्या कंसर्न? बहुत गहरा कनेक्शन बन गया बस। अगले हफ्ते उसकी माँ से शादी है। क्या? अगर उसकी नहीं मोहब्बत का दावेदार, मोहब्बत का दावेदार सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया। इतनी ज्यादतियां हुई है ना उसकी वजह से हुदा के साथ कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसी दुख में उसके पापा भी चले गए। बट अगर सही कहूं ना तो असल कसूरवार मैं हूं। मेरी मोहब्बत के जुनून ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया उसे। खैर तुम निकल जाओ, वो लेट हो जाओगे वरना। अरे अम्मा चुप कर, ड्रामा देखने दे मुझे। अम्मा
अरे बेड़ा गरक कर दिया ड्रामे का। अम्मा इंतजाम हो गया है, युसरा का फोन आया था, वो कह रही थी कि आप ही ने एसी बुक करवा दी और थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगा कंपनी की तरफ से। ये तो होना ही था। अम्मा मैं तो कह रहा था कि युसरा को छोड़ो, हुदा को ले आओ घर। पागल वागल तो नहीं हो गया है, तेरा दिमाग सही है? अरे वो जिद्दी चुड़ैल अपने लिए तो अड़ जाती है लेकिन अपनी बहन के लिए झुक गई है और झुकती ही रहेगी। ये भी ठीक है, घर वाली घर में और आधी घर वाली की कमाई जेब में। हाँ तो बेटा, रिजवाना को और करीम को बुला के लिया, रात का खाना हम तेरी ससुराल में जाकर खाएंगे और रिजवाना की झुमकियों की बात भी कर लूंगी मैं। हाँ और वो वलीमा? हाँ तो वलीमे का क्या है, कल बुला लेंगे उन्हें खाने पे, खिला देंगे वलीमा। अरे मेरी शातिर अम्मा। चल चल अब तू फोन मिला के दे रिजवाना को। हाँ रिजवाना, रहीमा जी। जी बीबी जी, मुझे सामान मंगवाया था वो सारा आ गया? जी सब आ गया। तो बस तुम ऐसा करो, कुकिंग शुरू कर दो और हाँ मीठा मैं खुद बनाऊंगी। ठीक ठीक है जी। जाओ तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक। अरे ये कुशन सारे फैले हुए, चेहरे पे बस यही मुस्कुराहट देखना चाहता हूं जैसे पहली बार तुम्हें देखा था। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से मुस्कुरा रही थी। क्या था होता अगर तुम भी मेरी तरह मुझसे मोहब्बत कर लेती। मॉम आज इतना एहतमाम किया जा रहा है, क्या खास बात है? लगता है मुनीबा भी आ रही है। मुनीबा भी आ रही है और तुम्हारे ससुराल वाले भी आ रहे हैं खाने पे। रियली? अजमीर भी आ रहा है? हाँ वो भी आ रहा है। चलो कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली। जाओ जाके तैयार हो जाओ, अल्लाह करे कि जिस तरह से मुनीबा अपने घर में खुश है ना तुम भी उसी तरह से खुश रहो। आमीन। अरे याद आया, तुम वर्दा से मिलने के लिए गई थी? हाँ मॉम, बल्कि एक गुड न्यूज मुझे आपको भी देनी है, हुदा ने अजमीर के ऑफिस से रिजाइन कर दिया है। चलो शुक्र, अब तो हो गई ना तुम्हें तसल्ली। अच्छा मॉम, डिनर के लिए ना मैं अपना फेवरेट ड्रेस निकालती हूँ और उसके बाद फिर मुझे अपने बाल भी देखने हैं और बहुत सारी तैयारियां हैं, मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। आई विल सी यू देन। रहीमा रहीमा। युसरा बेटा मैं सारे काम खुद देख लेती हूँ, तुम जाके तैयार हो जाओ। शादी के बाद पहली बार तुम्हारा ससुराल आ रहा है और शौहर के लिए बीवी को तैयार होना चाहिए। अम्मी वो लोग कौन सा मेरे लिए आ रहे हैं? अपनी गर्ज और अपनी ख्वाहिश की वजह से आ रहे हैं। बेटा जब रिश्ता बनाने का ठान लिया जाए ना तो गलत का जवाब गलत से नहीं दिया जाता। अच्छा मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक बेटा इतना सारा सामान, कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ में आ गया?
पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अम्मी ये मैंने मंगवाया है। अम्मी से छोड़े ना, ये रेडी टू कुक चीजें हैं। वो मैंने अपनी सैलरी एडवांस में ली है। एडवांस? पहले दिन हैरत है। हैरत तो मुझे भी हुई अम्मी, ठीक है मैंने अल्लाह का सबब समझ लिया। अब आपको पता है मेरी कंपनी के मालिक के पीए से अच्छी दोस्ती हो गई है, तो उसी ने ये मेहरबानी की है। उदा बेटा, अगर अरेज ने गुस्से में दो बातें कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिद लगा लो। लगा लेनी चाहिए हमें, इस तरह एतमाद और इज्जत नफ्स को तकवीत मिलती है। और वैसे भी अजमी के हक पे मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। मैं ये सामान ले जाती हूँ। मुझे तो पहले ही पता था। अरे मेरी यूसरा के मैके वाले बड़े दिल के और बहुत रख रखाव वाले लोग हैं। छोटे मोटे तोहफे देना तो अपनी बेटी के सुख चैन के लिए कोई मायने ही नहीं रखते। भाई अपनी बेटी को तो हर कोई देता है, एहसान थोड़ी करते हैं। एहसान और बड़े दिल तो बेटे के रिश्तों को नवाजने से पता चलता है, क्यों यूसरा? रिजवाना तुम भी बेफिक्र हो, तुम्हारे लिए भी तोहफा रखा है। बल्कि तुम्हारे लिए नहीं, आप सबके लिए तोहफे रखे। हमारे यहाँ रस्म है कि बेटी जब पहली बार आती है तो उसे तोहफे तहाइफ दिए जाते। अरे अम्मी क्या रस्मों के चक्कर में पड़ रही हैं, पैसे दे के जान छुड़ाएं, वैसे भी पैसे लेने वाला ख्वारी खुद उठा लेगा। तो और क्या। वाह मेरा बच्चा वाह, कितना ख्याल है तुझे अपनी सास का। आदिल बेटा ये खाओ, ये स्पेशल तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हारे पसंद की निहारी। वाह आदिल वाह। आंटी जी माना आदिल आपका दामाद है, लेकिन हम भी इकलौते नंदोई हैं आपकी बेटी के। अरे करीब फिकर क्यों करता है, धीरे धीरे ना सरवत बहन को आदत हो जाएगी। जैसे मैं तुझ में और आदिल में कोई फर्क नहीं रखती ना, इसी तरह ये भी नहीं रखेंगी, क्यों बहन? जी आंटी जी, हमारे घर में अम्मी जो चीज आदिल के लिए लेती है ना, वही चीज करीम के लिए भी लेती है। अरे आपकी बहू और बेटे नजर नहीं आया, कहाँ है? वो मेरी बहू महके गई भी है, अरे उसे लेने गया हुआ है। हैरत है भाई, नन के घर से पहली दफा कोई शादी के बाद आ रहा है, वो दो घड़ी घर में भी नहीं टिक सकती, खूब सैर सपाटे करती फिर रही है। रिजवाना ये कबाब लो ना आप। शहीर तुम्हारा मिडिल क्लास वाला आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। डैड ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसमें प्रॉफिट देख भी नहीं रहा, थोड़ा ब्रांड नेम बन जाए उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट। ये भी ठीक है। मॉम कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत। कुछ स्पेशल मॉम? हाँ वो अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सलमान? ठीक है, आप बताइए कैसे? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और शेर बेटा तुम बताओ कब वापस आए? ताजान बस। अरे आप लोग सारी बातें खड़े खड़े ही कर लेंगे क्या? शहीद अपने ब्रदर इन लॉ को हेलो नहीं बोलोगे तुम? हाय, मुझे एक काम है, मैं आता हूँ। नहीं तुम कहीं नहीं जा रहे हो, जो भी इम्पोर्टेंट काम है ना वो सब कैंसिल कर दो, देखो ना घर में मेहमान आए। हाँ। अच्छा ताई अम्मी नजर नहीं आ रही हो ना? नहीं बेटा वो तो बहुत ज्यादा शॉपिंग में बिजी हैं, और वैसे भी हम लोग आज
एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आए हैं। आइए ना, प्लीज बैठिए। जी बिल्कुल। अम्मी, क्या आपको लगता है कि युसरा के ससुराल वाले उसे खुश रखेंगे? बेटा, मुझे अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह उसके लिए बेहतर करेगा। इधर देखें आप, कितनी बेमान है आप। सारी मोहब्बतें तो ये खुद समेट लेती हैं। कम से कम तुम तो ऐसा ना कहो, ये तो अपनी सारी मोहब्बतें तुम पर निछावर करती है। अच्छा आपी, आज ना मुझे थोड़ा सा आपका वक्त चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि बेईमान लोगों से दूर रहना चाहिए। देख रही हैं अपनी इंटेलिजेंट बेटी को, फौरन से सारा उधार उतारती। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, सबक पढ़ाने वाली बहन से बराबर की बहस कर रहा है। तो अस्मी, तुमने फैसला कर लिया जाने का? मैंने आज तक आपकी कोई बात टाली जो आज टालूंगा? चलो ठीक है, तुम जाने की तैयारी करो, बाकी मामलात में देख लूंगी। ठीक है। सबा, वाकई खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने। ये लीजिए मीठा। ओहो, अरे तायाबू, आपने कबाब नहीं ट्राई किए? मॉम ने इतनी मोहब्बत से बनाए। बेटा बेटा, पहले ये खत्म हो जाए, उसके बाद लाजमी लूंगा। अच्छा ठीक है। मॉम, आपने ये खाना सिर्फ मोहब्बत से बनाया है या इसमें एतबार का तड़का भी लगाया? क्योंकि मैंने सुना है कि मोहब्बत एतबार के बगैर बिल्कुल खोखली और झूठी होती है। शहीर, मोहब्बत कभी भी छोटी नहीं होती। और ये क्या, तुम्हारी प्लेट क्यों खाली है? खाना खाओ ना तुम। खाता। और अजमीर बेटा, मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए मीठा बनाया है, जरूर खाना। हाँ क्या सलमान? जी भाई। मैं सोच रहा था कि बारात और इवेंट से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस ना कर ली जाए, मसलन हक महर को लेके। ये लो, ड्राई फ्रूट्स खाओ, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे। और प्लीज वरना तुम अपना ख्याल रखा करो, खासतौर पे अपनी डाइट का। लास्ट विजिट में भी डॉक्टर ने यही कहा था। जब आप हैं मेरा ख्याल रखने के लिए तो मैं अपना ख्याल क्यों रखूं? और मुझे अच्छा लगता है जब आप इजहार मोहब्बत करते हैं। मेरी जिंदगी में एक ही रिश्ता सच्चा बचा है और वो है तुम्हारा। ख्याल तुम्हारा नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? तो मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरे बच्चों की। एक मिनट, आप कहीं ट्विंस के बारे में? आई सो विश अगर ऐसा हो जाए। अच्छा सुने, अजमीर की शादी होने वाली है, मैंने अब तक शॉपिंग भी नहीं किया, कब लेकर जाएंगे? बंदा हाजिर है, जब आप बोले। कल चले? मस्त का ड्रेस कितना खूबसूरत है ना, ऐसे दिलाना मुझे। अरे अम्मा यार, ये एसी की कूलिंग तो तेज कर दो, गर्मी से जान निकल रही है। अरे सही तो है। मेरे को तो नहीं लगता यार। अरे अम्मा बढ़ाने दो, अब एसी की कूलिंग में भी कंजूसी दिखाओगी? हाय अम्मा, ठंडा ठंडा कितना मजा आ रहा है। अम्मा ये लोग एक मेरे घर के लिए एसी दे देंगे। चुप। इसरा,
हाँ भी, ये क्या सिर्फ चाय ले? चाय के साथ कुछ खाने को तो ले आती। मेरे लिए तो अंडा पराठा बना। अब मेरे लिए ना वो फ्रेंच टोस्ट बना के लेके आ जाओ। यार मेरे लिए भी अंडा पराठा बना देना, भूख लगी हुई है काफी। और सब फरमाइशें कर रहे हैं तो मेरे लिए भी डबल रोटी तल के ले आइएगा, लेकिन दोनों तरफ से। जी अच्छा, प्लीज जलाना नहीं। चाय का पानी और रख देना। अब फिल्म पता नहीं कब खत्म होगी। अब जब जागेंगे तो चाय तो पियेंगे ना। जाओ चाय तो उठाओ ना। मैंने सुना है कि मोहब्बत एतबार के बगैर बिल्कुल खोखली और झूठी होती है। एतबार की बात कर कौन रहा था?